देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको इसकी बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा। 2015 में इन्होंने कहा कि काला धन को हम सफ़ेद करेंगे, आप काला धन लाओ उसको 50% हम करके दे देंगे। ये चोरी और चकारी की जो घटनाएं ये 2015 से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और पहली बात मैं आपकी दुरुस्त कर देना चाहूँ, जिसको हम सरकार कहते हैं वो सरकार नहीं, देखा जाए तो हमने उन्हें चुन के भेजा, वो हमारे बराबर ही हैं। लेकिन सरकारी संस्था जो कि संवैधानिक संस्था कही जाती है, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल से पहले जितनी भी अर्थव्यवस्था थी, सबसे पहले इन्होंने योजना आयोग को ख़त्म किया, उसको नीति आयोग में बदल दिया। उसके बाद इन्होंने सब प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया, और अंडानी और अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैनों के प्रभाव के कारण ये सरकार ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है जो कभी 70 सालों में भी किसी ने नहीं लिए थे। देखा जाए तो ये जो जिस तरीके के ये निर्णय सरकार ले रही है, और उस प्रकार जिस प्रकार सरकार इस तरीके से निर्णय ले रही है, तो आपके प्रश्न का जो आंसर है वो इसी में छिपा है कि रोजगार ख़त्म हो रहे हैं, उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं, और इसी प्रकार किसानों जब ये जीडीपी इनकी बहुत गिर गई, इनसे संभाला नहीं गया, उसके बाद इन्होंने किसानों पर इनकी नज़र गई है कि किसानी पर खेती किसानी के जो प्रोडक्ट हैं इससे खेती है, मजदूर वगैरह वर्ग बहुत परेशान है। पहले तो इन्होंने मजदूर वर्ग के खिलाफ कानून लेकर आए, क्योंकि मजदूर कुछ बोल नहीं पाया इसलिए दब गया कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करो, छुट्टी नहीं मिलेगी, बोनस कट जाएगा, तो मजदूर डरेगा नहीं तो क्या करेगा, वो विरोध नहीं कर पाया, उसको उन्होंने पूरा दबा दिया। लेकिन जो किसान का मुद्दा जब आया, तो किसान की जो इन्होंने फसल पर नज़र डाली, उस पर किसान चेत गया, और चेत गया तो ये आग हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त फैली, जिसमें ये शर्मसार हैं, ये आंखें नहीं मिला पा रहे हैं अपने सांसदों को, क्योंकि इनके सांसद भी इनसे अलग होके इनसे पूछ रहे हैं कि जी तुमने ये क्या कर दिया। अब ये देश सही मायनों में इनसे संभलने वाला नहीं है, इनसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से देश को चलाने की जो व्यवस्था इनके हाथ में थी, वो व्यवस्था इन्होंने अमीर बिजनेसमैनों के हाथ में बेच दिए। इसका मतलब कि देश का प्रमुख व्यक्ति जो संसद दल का बहुमत दल का नेता होता है वही बिक गया है, तो जब वो बिक गया है तो छोटे मोटे लोगों को चोरी करने का बहुत अधिकार मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है कि अगर आप अपना वजूद बचाना चाहते हो तो इस समय किसानों के जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए तुरंत विद इन आवर इस मांग को पूरा करो, नहीं तो देश में क्या पूरे वर्ल्ड में मोर देन 15 कंट्रीज में आपकी थूथू हो रही है, ये आपको दिखाई देता है, लेकिन फिर आपका विदेश मंत्रालय कहता है देखिए भारत के इंटरनल मामले में किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। जब विदेश में कहीं पे आग लगती है तब क्यों आप श्रीलंका नेपाल को 1500 करोड़ 1000 करोड़ देने चले जाते हो? आप कैसे कह सकते हैं कि वैश्विक दूरी पर कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा? इस तरीके से ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये इनकी क्रियाक्रम के लिए हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, अभी आप नेट पर सर्च करो और पाकिस्तान जैसे कंगले देश में आपको पता चलेगा पेट्रोल 52 या 54 रुपये लीटर बिक रहा है, तो यहाँ पे पेट्रोल का मतलब ये देश बेवकूफ़ है। श्रीलंका जैसे देश में पेट्रोल 55 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि वहाँ की जो रुपए की पावर है यहाँ का एक रुपये वहाँ के चार रुपये के बराबर है। तो इस समय ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, इन्होंने ना जाने ये पैसा कहाँ खपा देते हैं, कहाँ कहते हैं 2 लाख करोड़ रुपए हमने यहाँ लगा दिए, 3 लाख करोड़ रुपए हमने वहाँ लगा दिए, 7 लाख करोड़ रुपए वहाँ लगा दिए, और ये उस योजना में घुस गए, वो उस योजना में घुस गए, वो उस योजना में घुस गए। सरकार तो कह रही है कि गरीबों को घर बांटे गए, ये अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे, किसी गरीब को घर देने के बहाने के नाम से फिर एक स्कैम हो जाएगा कि गरीबों को कर दिया। अरे झूठ कितना बोलोगे, कहाँ तक बोलोगे? केजरीवाल जी को देखो, वहाँ पे उन्होंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, हॉस्पिटल में सारे टेस्ट और दवाइयाँ फ्री कर दी, वो एक अकेला व्यक्ति इतने सारे काम कर सकता है, और तुम पे पूरी सत्ता उसके बावजूद भी
आप कुछ नहीं कर सकते। इस सरकार से क्या फ्री चाहते हो, अब क्या फ्री करवाना चाहते हो? नहीं, बात फ्री की नहीं है, ये किसानों ये तो लोगों की फसलों पे भी डाका डालने के चक्कर में सरसों के दाने के बीज, मक्का के बीज, गेहूं के बीज दाने, ये सब चावल, ये सब ये डकार लेना चाहते हैं। इसमें पशुपालन उद्योग भी जुड़ा है, मत्स्य उद्योग भी जुड़ा है और फिशरीज वगैरह के प्रोडक्ट भी इसमें जुड़े हैं। इन सबसे मजदूर वर्ग को भी नुकसान होने वाला है और ये सब कुछ लेके जा कर रहे हैं अडानी अंबानी के लिए। अरे उन पर तो ऑलरेडी इतना बहुत कुछ है कि उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर ये देश की व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको ढांचा बोलते हैं, उस ढांचे को की अगर एक तिल्ली भी गिर गई ना तो ये पूरा देश लड़खड़ा के गिर जाएगा, फिर ये भाग जाएंगे क्योंकि जनसंघ ही है। ये इतना नहीं सोच रहे कि देश में जब एक कॉमन आदमी को एक परेशानी होती है, इसका इनका इनकी टैगलाइन बड़ी अच्छी है जो इनके सरसंघ चालक ने कही है कि देश के लास्ट व्यक्ति का हम दुख देखेंगे। देश के किसानों का दुख तो देख नहीं पा रहे, यहाँ मीडिया की हजारों आंखें लगी हुई हैं 82 दिनों से, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया क्या? पेट्रोल पे बेचता था, आज वो उसका फॉर्च्यून ऑयल और सारे उसके बाद आटा, बेसन, दाल, चावल, चीनी क्यों प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए हैं? अक्षय कुमार को अपने प्रोडक्ट करने के लिए 25 करोड़ क्यों देता है? ये सरकार के अडानी अंबानी के हित में आप ये कहना चाह रहे हो क्या, क्या गिरवी रखी है उनके हाथ में? नहीं, ये भी कोई कहने की बात है, ये तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है इस बात को। ये किसानों पर जो इन्होंने टैक्स लगाया है, किसानों की जो ये चोरी करना चाहते हैं, किसानों का आटा, दाल, चावल, चीनी, मक्का, गेहूँ, बाजरा, ये सब बेचना चाहते हैं, ये क्यों बेचना चाहते हैं? वो तो उसी का काम है, जिसका काम उसी को साझे कोई और कहे तो करे, तो वो क्या लागे ये आपको पता है? सेकंड में बता दूंगा, वो क्षमा मांग ले किसान से कि भाई सब गलती हो गई, आप सही हो मैं गलत हूँ, बात खत्म हो जाएगी। ये देश तो सारी बातें भूल जाता है, दैट्स ऑल। इस पर देखिए, ये बहुत महीन विषय है, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये रोजगार देने में जो असफल हो गए कि सरकारी नौकरी तो ये दे नहीं सकते, कम से कम जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उन पे तो टैक्स का या दूसरी तरीके का छत छाया पे डाका ना मारे, रोजगार अपने आप सृजित होता चला जाएगा, रोजगार अपने आप का सृजन होता चला जाएगा। ये दूसरी कंपनियों को मोनोपोली करके उनको घटाएं ना, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर सही समय पे चेत जाएं तो व्यवस्था पे सुधार हो सकता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।